अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई शरोज़ खान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो गाड़ी आपके लिए लेके आया हूँ, यह है 1987 का मॉडल है, सुजुकी एफएक्स की गाड़ी है। लेकिन ये कोई आम सुजुकी एफएक्स नहीं है। सुजुकी एफएक्स आपने नॉर्मली जो देखी होंगी वो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है इसकी गियर ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिक है। तो गाड़ी का आपको कम्प्लीट रिव्यू करवाता हूँ मैं, प्राइस वगैरह हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बारे में सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं, गाड़ी का रिव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी पूरी तसल्ली से, आप गाड़ी चेक कीजिए। और फिर अगर आप इस गाड़ी की परचेजिंग की तरफ जाना चाहें तो सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। ये गाड़ी का लुक देखें, बैक साइड से कुछ इस तरह से नज़र आ रही है गाड़ी, बाहर से जैपनीज़ कलर हुआ है गाड़ी पर, अलाइरम्स वगैरह लगे हुए हैं, न्यू टायर्स हैं, गाड़ी परफेक्टली फ़ाइन है, किसी भी तरह का कोई काम गाड़ी में मौजूद नहीं है जो आपको लेने के बाद करवाना पड़े। 660 सीसी जैपनीज ऑल्टो सॉरी कोरे का इंजन डला हुआ है इसमें, और ऑटोमेटिक गियर है। और उमूमन लोग कहते हैं कि मैनुअल गाड़ी को जब ऑटोमेटिक करवाया जाता है तो उसकी शिफ्टिंग जो है गियर शिफ्टिंग को कुछ प्रॉब्लम करती है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर लेना चाहें आएँ इसको तसल्ली से चेक करें, चला कर देखें, तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं आएगी कि ये मैनुअल गाड़ी से ट्रांसफ़र हुई है। और ये देखिए आप गाड़ी अंदर से, ये देखें जैसे कि आपको गियर लीवर वगैरह नज़र आ रहा होगा, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन, अंदर की सीट्स वगैरह की कंडीशन। ये मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ी का इंजन रूम जो है वो 100% जेन्युइन है, और गाड़ी बाहर से शावर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिकेटेड गाड़ी नहीं है और अच्छी कंडीशन में बॉडी है। ये देखें छत वगैरह भी इसी बनी हुई है, लोग अपने शौक़ से करवाते हैं, लेकिन इसमें हम ये काम हुए हुए हमने करवा दिए हैं, कुछ हुए हुए थे, इस तरह का मामला है। और ये देखें सीट्स वगैरह की कंडीशन आपके सामने, और इंजन वाइज भी गाड़ी बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई नॉइज़ नहीं है इंजन में, और सस्पेंशन से टायर से हर चीज़ से गाड़ी एक कम्प्लीट पैकेज है, आपको किसी भी तरह का कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गाड़ी की झड़कें वगैरह, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, और हर तरह से जो है बिल्कुल फिट है गाड़ी। बस तो आपने इसको लेना है और लॉन्ग ड्राइव में निकल जाएगी गाड़ी, इंशाल्लाह आपको कहीं भी तंग नहीं करने वाली। इंजन रूम भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन रूम इसका जेन्युइन है, ये देखें बिल्कुल फ्रेश इंजन रूम है इसका, कहीं से भी कोई आपको इसमें रिपेयरिंग जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैपनीज़ इंजन है, 660 सीसी कोरे का, और एसी का कंप्रेशर इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको एसी ऑन करवाना चाहें तो बाकी आपको इसका जो सामान है वो लगवाना पड़ेगा, तो इसमें एसी भी आप लगवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो आपको पता ही है कि हमारी हर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह से गाड़ी बिल्कुल क्लियर होती है, नंबर प्लेट्स इसकी ओरिजिनल मौजूद हैं, CPLC वगैरह से गाड़ी क्लियर है, किसी भी तरह की आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली। कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा नीचे आ रहा है, जो भाई लेना चाहें गाड़ी वो रब्ता कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस गाड़ी के हवाले से, इसके अलावा भी आप किसी किस्म का कोई भी काम वगैरह अपनी गाड़ी के हवाले से करना चाहें सेल परचेज़ के लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी की डिमांड है 3,80,000 रुपये, जो कमी बेशी होगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर कर लेंगे। लोकेशन है हमारी कोरंगी कराची की। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।